तो गाइस अगर आपने इस तरह वीडियो बनानी है तो इस वीडियो का एंड तक लास्ट में देखिएगा। तो गाइस अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो गाइस सबसे पहले आपने अपना कैप कट ऑन कर देना है, उसके बाद आपने न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ से फोटो के ऊपर क्लिक कर देना। वो सारी पिक्चरें सेलेक्ट कर देनी जिन पिक्चर के ऊपर आप वीडियो बनाना चाहते हो। तो मैं सारी बारी बारी पिक्चर सेलेक्ट कर देता हूँ, ये हो गया एड। नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ से आपने नीचे फॉर्मेट के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ से एक साइज़ सेलेक्ट करना है फिट वाली, ये साइज़ होगी। अब बारी बारी आपके जितने पिक्चर मतलब स्क्रीन के मुताबिक ना हो, उस एक एक पिक्चर को अपनी स्क्रीन के मुताबिक कर दे। तो इसको टू फिंगर के साथ क्लिक करके स्क्रीन के मुताबिक कर दे ऐसे बारी बारी। अब एंड में क्या करना है, इस पिक्चर के एंड में कैप कट का वाटर मार्क होगा, वह उसको आपको क्लिक करके सिंपली इसको डिलीट कर देना है। अब वापस आके बैक ओरली के ऊपर, फिर ऐड ओरली के ऊपर, फिर फोटो के ऊपर, यहाँ से ब्लैक स्क्रीन वाली पिक्चर सेलेक्ट कर देनी है। इस ब्लैक स्क्रीन वाली पिक्चर की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने वहाँ से डाउनलोड कर देना है। सिंपली अब इसकी भी ड्यूरेशन बढ़ा देनी है जितनी आपकी पिक्चर हो। यस हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, सप्लाई के ऊपर क्लिक करके यहाँ से सॉफ्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और इसकी ब्राइटनेस 19% रख देनी। अब नेक्स्ट ये जो पिक्चर के एंड में वाइट कलर की लकीर नज़र आ रही है, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से इफ़ेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और फिर नेक्स्ट ये वाला इफ़ेक्ट लगा देना है, लाइट बीम वाला। फिर अप्लाई आल करके, ठीक है, अब देखें एक एक मूव, ये आपकी पिक्चरों की मूव होगी। अब नेक्स्ट, फिर वापस, फिर वीडियो इफ़ेक्ट, फिर यहाँ से अपने क्रिसमेट के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ से अपने इफ़ेक्ट सेलेक्ट कर देने स्नो वाली, ठीक है। अब इस इफ़ेक्ट को भी आपने पिक्चरों के मुताबिक कर देनी जितने आपकी पिक्चर हो। तो ये हो गया। अब फिर से वापस आके ऑडियो के ऊपर क्लिक कर दे, फिर साउंड के ऊपर क्लिक कर दे, फिर यहाँ पे फाइल के ऊपर क्लिक कर दे, जो आपके फाइल में अपनी सॉन्ग हो उसको आपने लगा देने। सिंपली इस सॉन्ग को मैं स्प्लिट करता हूँ क्योंकि मेरी पिक्चरें कम है, जितनी मेरी पिक्चरें होगी उसके मुताबिक मैं ये लगा दूँगा। तो इसको स्प्लिट किया, इसको डिलीट किया, ठीक है, इसको भी स्प्लिट किया, इसको भी डिलीट किया, इस ऊपर वाली पिक्चर को भी थोड़ा सा कम किया स्प्लिट करके, इसको एक मूव और देते हैं, कोई नहीं, चलो यहाँ से एक मूव दे देते हैं इसको, यहाँ से भी एक मूव। इस पिक्चर को क्लिक करके यहाँ से अपने इमिशन के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से कॉम्बो, फिर नेक्स्ट आपने जो भी ये मेरे एक पिक्चर ये वाली मूव में दे देता हूँ। गाइस वेट कीजिए, मेरा इंटरनेट स्लो है, ये मूव ये हो गया, ठीक है। तो गाइस डेमो के तौर पे ये वीडियो में मैं थोड़ी सी आपको प्ले करता हूँ, ज़्यादा प्ले नहीं कर सकता क्योंकि कॉपीराइट का ऑप्शन आता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो वॉच गाइज ये हो गया। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।